हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम यार, बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। आज का टूर जो है शुरू होने वाला है, देख सकते हो गाड़ी है, बाहर का माहौल है, बादल बुदल छाए हुए हैं, बिल्डिंग शिल्डिंग आप लोगों के सामने है, माहौल आप लोगों के सामने है, और मैं ज़रा जा रहा हूँ बाहर इंजॉयमेंट करने के लिए। मेरा बैग है ये, मैं ज़रा किसी को किसी का सामान देने जा रहा हूँ, तो साथ आपको सारा माहौल दिखाऊंगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस आज का व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करना। आज आपको मैंने बड़े बड़े माहौल दिखाने हैं, बहुत मजे हम करेंगे। देख सकते हैं अबू मुझे ड्रॉप करने आए हुए हैं, और ये सुलेमान है, अबू की टोर है, और ये बैग है, कुछ सामान देने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे देने जा रहा हूँ सारा माहौल आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बस चलते हैं गाइस। आज का मौसम इतना वध है ना, इतना मजे का है, दिल कर रहा है बस अपनी मशरूक को लूँ और टूर में निकल जाऊँ, डेट मारने निकल जाऊँ, मज़े करने निकल जाऊँ। तो मौसम इतना मज़े है ना, सर्दी है ना गर्मी है, ओनली मज़ा व्यू है मज़ा। तो आवाम भी कम है, पता नहीं आवाम कहाँ पे टूर शोर मारने गई है। पीछे मेरे देख सकते हो आप लोग, बिल्डिंग शिल्डिंग आप लोग देख रहे हो, देख सकते हो भाई फुल मज़ा यार। धूप भी होती है, शाम भी होती है, और मज़े भी होते हैं। किलोमीटर की रफ्तार से हम जा रहे हैं, 120 किलोमीटर की रफ्तार में दुबई के हाईवे पे। यू आर देख सकते हो, ओए होए होए, दो चार्जर फिटिंग और चार्ज देगी नहीं। सारा सिटी सेंटर है, वो तोड़ तक सिटी सेंटर है सारा। देख सकते हो अगर सिटी सेंटर के पास कितनी रौनक नहीं है, आपको आएगी वो। तो गाइस बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यार मैं रात टाइम शाम टाइम व्लॉगिंग करता हूँ, आप लोगों को मज़ा बिल्कुल नहीं आता। लेकिन क्या कर सकते हैं, भाई का काम ही कुछ ऐसा है, धंधा ही कुछ ऐसा है कि यार टाइम ही नहीं होता। इस टाइम मुझे मिलता है बाहर के निकलने के लिए और व्लॉग बनाने के लिए, और मैं बनाता हूँ, शेयरिंग आपके साथ सारी शेयर करता हूँ। मैं जो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, आने वाले वक्त में हर एक चीज़ शेयर करूँगा। और मुझे उम्मीद है एक दो साल के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा तो इस सामने वाली स्क्रीन पे मेरा पोस्टर लगेगा, इस सामने वाली। गाइस देख सकते हो एक ये गंदा सा टोटा आता है, ये देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी का सारा एयर सस्पेंशन देख सकते हो, सस्पेंशन सारा ख़राब हो गया। देखो मॉडल कैसी आ रही है, टायर भी पंचर हो सकता है यहाँ पे, पकाए दो रोडों में टायर पंचर, कहीं पर टायर पंचर दुबई में नहीं होता। बड़े सफाई है, बड़ी क्लीन है, हर चीज़ साफ़ सुथरी है। बस ये रोड जो है ना देखो, ये थोड़ा उल्टी रोड है यार, यहाँ से ज़रा इन्होंने थोड़ा पीआईपी काम नहीं किया, तो ये ज़रा थोड़ी मुझे मुश्किल होती है, और कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह के फजलो करम से तबाही मचा देंगे दुबई में। देख सकते हो ये बिल्डिंगों के पीछे से मैं आया हूँ, वो सिटी सेंटर है और ये बिल्डिंग है, यहाँ से मैं आया हूँ। ये देखो ये सीधा रोड जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव हो के ये सीधा GNP सिग्नल व्यू। तो यार अभी अजान मगरिब हुई है, और अब मैं ज़रा थोड़ा सा लोकेशन पे भी पहुंच गया हूँ, मैंने थोड़ा सा काम कुम करना है, थोड़ी सी चीज़ें ज़रा पार्सल करनी है, ये कर देता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। यार आपके पास ही, मैंने कहाँ जाना है यार, आपके बिल्कुल पास हूँ, चाह थोड़ी बातें करेंगे। तो बस थोड़ा सा वेट, आ फ्यू मोमेंट्स लेटर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली गाइस वापस आ चुका हूँ, फ्री हो गया हूँ, और मेरी एक लड़ाई भी हो गई बांग्लादेशी बंदे से, कुछ ना पूछो यार, चूतिया बंदे हैं। बात ये है कि वापस आ चुका हूँ, माहौल आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा हैवी फैंटास्टिक किस्म का माहौल आपको दिखाऊंगा। माहौल है या नहीं है यार, मज़े हैं आप लोगों को, बस बाहर का मनाजिर दिखाऊंगा। देख सकते हो मेरा वापस मेरा बहुत है यार, हाय हाय हाय, मर गई आवाम, रश तो है ही नहीं ना, साथ भी रश तो है ही, एक ही खड़ी हुई है, वो भी मेरा इंतज़ार कर रही है। ओ माय गॉड, देख सकते हैं गाइस ये डिग्गियां, देख सकते डिग्गिये, ओए 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 ताजी। आज मेरे बंदे को फंड देना था, इतना दिमाग खराब हुआ था ना उसकी, ये मोबाइलों शोबाइलों की टैबों वाली दुकान थी, आईपैड वाली,
कसम खुदा की उम्मीद देना था मैंने उसको यहाँ से आज, इतना दिमाग खराब उसने मेरा किया ना। इतना दिमाग खराब हुआ ना, एक बंगाली ने कहा पाकिस्तानी चूतिया, मुझे चूतिया कह रही है, पर पाकिस्तान को इतना दिमाग खराब हुआ है, मैंने इसको दबा तुन दिया, आवाम इकट्ठी होगी बीच में, मैंने इसको तुन दिया, मैं कहा पेल दूंगा बांग्लादेश की बहन के, मैंने तो सुनोगे अब सारे बांग्लादेशी वो नहीं कह रहे थे अच्छे भी बीच में होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये हरामी नस्ल थी और इनको मैंने तुन देना, मैं बता दूँ ठीक हो गया, पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, और खास तौर मेरे पास की बात मेरे खिलाफ की तो मैं जिस चीज़ें पकड़ के ना सुन दूंगा, मैं बता दूँ तुम लोगों को। अब लोग पाकिस्तानी भाई हो, बांग्लादेशी भी भाई हो, इंडिया भी, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर फजूल किसी की चीज़ को गंदा कहना और उसको उसके खिलाफ बात करना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी है, मैं फेल दूंगा, मैं बता दूँ। ये बांग्लादेश वाले मुझे 3-4 बंदों ने घटिया कह दिया और मैं उनको छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं बता दूँ आप लोग को ठीक है, अपना देश अपने शहर में रहो, इंडिया वाले मेरे को नहीं कहते, इंडिया वाले तो बहुत कम है, ये बांग्लादेश कोई हवा में ज्यादा उड़ रहे हैं, जिस दिन हाथ लग गए ना लोग में देखोगे तुम दूंगा मैं कहना। छोड़ो यार बाहर का व्यू देखो जरा, हाय 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 हाय, क्या छिड़गे छिड़गे हैं, मूड को फ्रेश रखना चाहिए, लेकिन बात यह है कि किसी को तुलना नहीं चाहिए, किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए, अगला ये ना तीली सेहत समझ के तुम दे, सेहत वैसे तीली हो लेकिन बंदा खरदमग हो तो लम्बा पा देगा। सो गाइस वापस आ गया हूँ, थक गया था वापस आ गया हूँ, अब दूसरा डिस्कस कर रहे हैं, तो जब मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।